गुड मॉर्निंग बच्चों, जो 10वीं 11वीं का फॉर्म हम लोग भरने जा रहे हैं, पार्ट वन का, जो आपको एडमिशन लेनी है 11वीं में, तो आपको पार्ट वन का फॉर्म भरना है। तो उसकी प्रोसीजर जो है वो आज से, कल से शुरू हो गई है। तो इस प्रोसीजर में आपको इस प्रकार से फॉर्म, जो साइट मैंने दी है उस साइट पर जाना है, आपको ऊपर साइट दिखाई दे रही है, और फिर उसके बाद इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा। इस पेज खुलने के बाद आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिखेगा, ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करने का। इस प्रकार से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल जाने के बाद आपको सबसे पहले इस साइड में आएगा विद इन NMC एरिया, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो, मैंने इस प्रकार से क्लिक किया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, आप फ्रेशर है तो फिर यहीं पे आपको टिक करने का है। फिर उसके बाद SSC, आपने कौन सी परीक्षा पास की है, तो SSC बोर्ड पास किया इसलिए आपको यहाँ पे SSC पे क्लिक करने का। फिर उसके बाद आता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका सीट नंबर जो है वो यहाँ पे आपको सीट नंबर जो भी है वो लिख देने का। मैं यहाँ पे सीट नंबर नहीं डाल रही, आपको यहाँ पे आपका सीट नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है सीट नंबर के बाद, यहाँ पे आप सीट नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट SSC डाटा जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करने का। यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, आपको यहाँ पे क्लिक करने का है। फिर यहाँ पे आपकी सारी जानकारी जो है वो, ये सारी जानकारी जो है वो आपके अपने आप फिलअप हो जाएगी आपका सीट नंबर भरने के बाद। फिर उसके बाद एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको करने हैं, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने का दिख रहा है। यहाँ पे मैं नहीं डाल रही, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अगर है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया आपने तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपने इस प्रकार से क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिखना है। यहाँ पे अगर आपका सिक्योरिटी जो है, तो यहाँ पे पवन अगर मैंने लिख दिया तो ये आपका क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर उसके बाद आपको आपका पासवर्ड लिखना है, तो पासवर्ड जो है वो कितने डिजिट्स में होना चाहिए, 8 से 15 डिजिट्स में आना चाहिए। तो उसमें एक 5-6 लेटर्स होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, अपने अंक होने चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और इसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड जो दिया है तो यहाँ पे भी आपको वही पासवर्ड फिर से लिखना है। और इस इतना होने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, यहाँ पे ये कैप्चा दिखेगा, दिख रहा है, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे भरना है। और ये भरने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर करने का है। तो ये रजिस्टर होने के बाद ये आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सारा फॉर्म भरा हुआ रहेगा। इस प्रकार से आपको प्रोसीजर पूरी करनी है, कौन सी, फॉर्म भरने की, पार्ट वन के फॉर्म भरने की। और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। इससे आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा आपका, और वो आपको सेकंड प्रोसीजर के लिए काम आएगा।